हेलो एंड वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 के साइंस का 11th चैप्टर वर्क एंड एनर्जी पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको तीन पिक्चर्स दिए गए हैं। फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं, अगर ये गर्ल क्या कर रही है, बैग कैरी कर रही है, बैग उठाकर ले जा रही है। सेकंड पिक्चर में हैमर से नेल को हिट किया जा रहा है। और थर्ड पिक्चर में एक पर्सन लॉक को कैरी करके लेके जा रहा है। तो इन पिक्चर्स में हम क्या देख सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, फोर्स इज नेसेसरी फॉर द डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जरूरी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस करने के लिए, फोर्स जरूरी है। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, ये गर्ल क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है और ये बैग को लिफ्ट कर रही है, मतलब ये बैग क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है अपनी प्लेस से। वैसे ही यहाँ पर हैमर पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इस नेल को हिट करने के लिए। और सेम इन थर्ड पिक्चर, अ पर्सन अप्लाइंग अ फोर्स टू कैरी अ लॉग। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, वर्क इज सेड टू बी डन। तो हम लोग कह सकते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं और वो क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, अपने प्लेस से मूव करता है, तो हम कह सकते हैं कि वर्क इज डन। हम कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है, काम हुआ है। जैसे कि यहाँ पर इस एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा है, ये बच्चा अपने लेग के थ्रू फोर्स अप्लाई कर रहा है इस बॉल पर, फुटबॉल पर, और उसको हिट कर रहा है और वो अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क इज डन। नाउ नेक्स्ट, सपोज अ गर्ल कैरिंग अ ट्रॉली विच इज हैविंग 5 बुक्स, शी इज पुलिंग दिस ट्रॉली टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। मान लो कि ये गर्ल क्या कर रही है, इसके पास ये ट्रॉली है जिसमें 5 बुक्स हैं और उस ट्रॉली को वो 10 मीटर तक पुल करके लेके जा रही है, मतलब इस ट्रॉली को 10 मीटर तक ले जा रही है। नाउ अभी अगर हम बुक्स की अमाउंट यहाँ पर बढ़ा दें और सेम डिस्टेंस रखें, नाउ शी इज कैरिंग 20 बुक्स फॉर पुलिंग दिस ट्रॉली 10 मीटर। 10 मीटर तक इस ट्रॉली को पुल करके ले जा रही है। अभी जो अमाउंट है बुक का वो कितना हो गया है, 20 बुक्स। तो क्या कह सकते हैं इस एक्टिविटी के बारे में हम लोग, वी कैन से दैट मोर वर्क इज डन फॉर सेम डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा काम करना पड़ रहा है सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए, मतलब 10 मीटर दोनों एक्टिविटी में उसे ये डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। सो व्हेन मोर फोर्स इज अप्लाइड टू डू द वर्क, जब ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो हम बोल सकते हैं मोर वर्क डन फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट व्हेन मोर फोर्स इज अप्लाइड टू डू द वर्क। अभी इफ she has to pull this box or this trolley, we can say that which is having 20 books for 20 meter, अभी 20 books हैं और 20 meter तक उसे ये trolley pull करना पड़ रहा है। तो हम लोग इसके बारे में क्या कह सकते हैं, we can say that the same force is applied for more displacement, same force apply करना पड़ रहा है लेकिन जो displacement है वो क्या है यहाँ पर, ज़्यादा है। और फिर हम बोल सकते हैं कि मोर वर्क डन बाय द फोर्स, कि यहाँ पर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है वो ज़्यादा करना पड़ रहा है। सो मोर वर्क डन फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट व्हेन मोर फोर्स इज अप्लाई टू डू द वर्क। हम कह सकते हैं मोर वर्क डन, ज़्यादा काम करना पड़ता है सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए, जब हमें क्या करना पड़ता है,
हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है किसी काम को करने के लिए। और सेकेंड एक्टिविटी में हमने देखा था, इफ़ द फोर सेम फोर्स इज अप्लाई, अगर सेम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है हमें ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो हम कह सकते हैं मोर वर्क डन बाय द फोर्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यू कैन सी दैट इन दिस पिक्चर अ बॉय इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ टॉय कार एंड कार इज मूविंग। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है, इस कार पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से कार क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, वो मूव हो रही है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द बॉयज एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू द कार वर्क एंड कार हैज डिस्प्लेस। हम कह सकते हैं कि जब ये बच्चे ने इस कार पर फोर्स अप्लाई किया तो उसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई इस कार में, और जिसकी वजह से कार क्या हुई है, मूव हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। तो हम कह सकते हैं वर्क हैज बीन डन। नाउ रन अराउंड अ ग्राउंड विथ योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड के साथ अगर आप एक ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हैं, तो कैन योर फ्रेंड रन एज मेनी एज राउंड एज यू। क्या आपका फ्रेंड उतने ही राउंड भागेगा जितने आप भाग सकते हैं? इसका आंसर है नो। क्यों? ईच वंस कैपेसिटी टू कंप्लीट राउंड इज नॉट द सेम। हर इंसान की या हर बच्चे की जो कैपेसिटी है वो सेम नहीं है। आपका फ्रेंड या तो आपसे कम या आपसे ज़्यादा राउंड कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है दौड़ने की वो आपसे कम या ज़्यादा हो सकती है, इसलिए वो आपसे कम या ज़्यादा राउंड्स कंप्लीट कर सकता है। यू कैन कंप्लीट एज मैनी एज राउंड एज यू हैव कैपेसिटी। और आप उतने ही राउंड दौड़ सकते हो जितने की आपकी कैपेसिटी है। आपकी जितनी कैपेसिटी होगी उतने राउंड आप कंप्लीट कर सकते हो। सो वी कैन से दैट द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटी हमारी कार्य करने की जो क्षमता है उसको ही हम कहते हैं क्या, एनर्जी। नाउ वी विल लर्न अबाउट द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इसमें कई टाइप्स के कई फॉर्म्स होते हैं एनर्जी, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इन सभी टाइप्स के बारे में, इन सभी एनर्जी के फॉर्म्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगले पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।